जय श्री राधे जी, वेलकम टू रंग एस्ट्रो, ओनली वन रियल एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल ऑन एंटायर यूट्यूब। सबसे पहले अगर हम उंगलियों की बात करते हैं तो उंगलियों में क्या देखा जाना चाहिए, उंगलियों के प्रकार देखे जाने, प्रकार में गोलाकार स्थिति में है, वर्गाकार स्थिति में है, आयताकार स्थिति में है, इन चीज़ों को देखना जातक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उंगलियों से कुछ खास चीज़ों के बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी स्पष्ट तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखना शुरू करो कनिष्का उंगली से। कनिष्का उंगली आपकी अनामिका उंगली के यानी कि रिंग फिंगर के किस पोर तक जा रही है, ये देखना महत्वपूर्ण है। खासकर ये जो मध्य का क्षेत्र है ना, ये काफ़ी संवेदनशील होता है, सेंसिटिव एरिया होता है। इसमें बहुत छोटी छोटी स्थिति को भी देखा जाना चाहिए। अगर आपकी कनिष्का उंगली ऊपर तक चली आती है यानी प्रथम पोर तक चली आती है तो ये व्यक्ति को संजीदा बनाती है, व्यक्ति को अपने जीवन के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति उदार बनाने का कार्य करती है और व्यक्ति काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़ने की चेष्टा करता है, जिसमें भावनाओं का भी समावेश होता है और रिश्ते वगैरह सबकी इज्जत मान रखते हुए वे जातक आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं पर जितना ज्यादा नीचे होता चला जाएगा व्यक्ति उतना ज्यादा पेशवर होता चला जाता है, रिश्ते जज्बात वगैरह सबकी उनके अंदर या उनके साथ उन चीजों की वैल्यू होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पेशवर जो उनका जीवन होता है और प्रोफेशनल, उन चीजों को सबसे ऊपर रखने की कोशिश हमेशा करते हैं और उसमें जीवन का जो कटु सत्य होता है ना, उसका काफी इन्हें अच्छा खासा भान होता है। इस कारण एक कभी भी जज्बातों में पड़के अपने जीवन को अंधी गली की तरफ नहीं छोड़ सकते और सब कुछ करते हुए भी, सारी चेष्टाएं करते हुए भी अपने फाइनेंशियल स्टेटस को, अपनी जो स्टेटस उनका है उसको और अपनी लाइफ को, इन सब को हमेशा अपग्रेड करने की कोशिश में लगे रहते हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। जबकि ऊपर वाले जो है मुसीबत आने पर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक भावना ऐसी बैठ जाती है कि पता नहीं इन चीजों से हम पार पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे। इन लोगों का दिल बड़ा कमजोर होता है, नीचे वालों का दिल बड़ा मजबूत होता है। अब बाकी उंगलियों से आप क्या जान पाएंगे, बात आती है रिंग फिंगर की। रिंग फिंगर की स्थिति आपकी मध्यमा उंगली से अगर यहाँ पे तर्जनी उंगली से मिला के देखेंगे, अगर छोटी नीचे की तरफ होती चली जाती है तो ये आपके जीवन में कुछ खास बेहतर परिस्थितियों को पैदा करती है, जिसमें व्यक्ति विभिन्न प्रकार के तांत्रिक, साइंटिस्ट वगैरह, बड़े बड़े लक्ष्यों को पूरा करने वाला व्यक्ति बन जाता है। उसके जीवन में उसका मान सम्मान, प्रतिष्ठा ही महत्वपूर्ण होती है, धन की स्थिति उनके जीवन में मायने नहीं रखती। ऐसे लोग साधु साहिब में भी बड़ी ऊंची गति को प्राप्त करते हैं और आगे तक बढ़ने की चेष्टा करते हैं और उन्हें प्राप्त भी कर लेते हैं। ऐसे लोग एकांतवास में रहने वाले, जंगल में रहने वाले और विभिन्न प्रकार की गुफाओं में तंत्र साधना करने वाले देखे गए हैं। पॉलिटिक्स में अगर ऐसे लोग जाते हैं और अगर सूर्य रेखा इन लोगों की लंबी होती है तो उसमें भी काफी नाम कमाने वाले होते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर आपकी यहाँ पर तर्जनी उंगली की स्थिति आपके लिए काफी ज्यादा ऊंची हो जाती है तो ऐसी स्थिति में मान सम्मान के साथ साथ धन भी आपके लिए आवश्यक हो जाता है, लेकिन जीवन में संघर्ष की स्थिति आपकी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हर एक चीज अगर आपको 1 रुपया मिलेगा तो 95.99 पैसों का खर्च भी आपके लिए वहां पर स्पष्ट तौर पे आता हुआ चला जाएगा। इसके अलावा जीवन में अपनी सत्यता को साबित करने में आपको काफी समय गुजारना पड़ेगा। आपकी इनफैक्ट की बिना किसी गलती के भी आप पर विभिन्न प्रकार के तोहमत लगने की स्थिति हमेशा बनी हुई रहती है। आप किसी के लिए कितना भी कुछ भी कर देंगे लेकिन आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए और जो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए उसके लिए जीवन भर आप तरसते हुए ही रह जाएंगे। इसके अलावा आपकी यहाँ पर रिंग फिंगर यानी कि अनामिका उंगली बड़ी हो और आपकी तर्जनी की स्थिति यहाँ पर नीचे की तरफ यानी इंडेक्स फिंगर नीचे की तरफ आ रही हो, ऐसी स्थिति में धन की स्थिति आपके जीवन में काफी अच्छी होती है। पेशेवर लाइफ आप सही तरीके से चला पाने में कामयाब होते हैं, काफी तेजतर्रार व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं और नए नए उद्यमों से, अलग अलग कार्यों से धन की स्थिति को बढ़ाने की चेष्टा हमेशा करते होते हैं। दोनों की जब भी स्थिति बराबर होगी और आपके जो कनिष्का उंगली है, कनिष्का उंगली की स्थिति इससे काफी नीचे की तरफ होगी, ऐसी स्थिति में जातक अपने मेहनत के बल पर अपने जीवन को काफी बेहतर गति को प्राप्त करवाता है और बेहतर स्थिति तक लेते हुए चला जाता है। धन की चलाचल संपत्ति की स्थिति काफी बेहतरीन रहती है, घर परिवार का सहयोग काफी अच्छा रहता है और जमीन जायदाद वगैरह से जातक काफी परिपूर्ण रहता है। व्यापार में जातक बेहतर चीजों को प्राप्त करने की स्थिति में आता हुआ चला जाता है। इसके अलावा मध्यमा उंगली आपकी अगर इन दोनों से काफी बड़ी हो, इनफैक्ट की थोड़ा मतलब नजर आ जाए, ऐसी स्थिति बन पड़ी हो तो ऐसी स्थिति मानसिक तौर पर आपको कहीं ना कहीं कमजोर बनाती है और जीवन में ज्यादा कुछ कर नहीं पड़ता, कर नहीं पाता और सपनों में ही ज्यादातर खोके रह जाता है। यही इसका झुकाव अगर आपके रिंग फिंगर यानी कि आपके अनामिका उंगली की तरफ होता चला जाता है तो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपकी लाइफ में समस्याओं का आना आदान प्रदान होगा और एकाकीपन यानी कि अकेलापन, जीवन में संघर्ष की स्थिति बहुत ही तीव्र, सफलता चाहे कितनी भी कर लो मिलना बहुत दूर की बात हो जाती है, किसी के लिए कितना भी कर दो ऊपर से आपके लिए तोहमत की स्थिति ही बनेगी, किसी भूखे को खाना खिला दो खिलाने के बाद आप ही को दो चार थप्पड़ मार देगा, ये सब सामान्य गति आपके जीवन में आती चली जाती है। इनका इसकी तरफ झुकाव हो जो कि बिरले मिलता है, मेरे ख्याल से
अब तक देखी नहीं हमने। तो अगर ऐसा हो भी जाता है तो ऐसे लोग संसारिक नहीं होते, संसार से बाहर चले जाते हैं, तो उनकी बात ही करना बीमारी है। तो इसके द्वारा आप इन व्यक्ति के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं, उसके स्वभाव के बारे में, आर्थिक दशा के बारे में, कब किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की चेष्टा करेगा उसके बारे में, और इसके अंदर गुस्सा कितना होगा, प्रेम कितना होगा, समर्पण कितना होगा, इन सब के बारे में आप काफी कुछ जान सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नीचे के क्षेत्र में चलते हैं तो वहां से भी आपके लिए काफी कुछ जानकारियां स्पष्ट तौर पर बनती हुई आती है, जिनके बारे में अभी आप जानेंगे। और वो है सबसे पहले गुरु के इस पर्वत क्षेत्र। देखो गुरु का पर्वत क्षेत्र जितना ज्यादा शनि के पर्वत क्षेत्र की तरफ बढ़ता चला जाता है, अगर आपकी उम्र 24 वर्ष से कम है तो आपके वैवाहिक जीवन में और विवाह होने में कई दफे विलंब की स्थिति बन जाती है और रिश्ते टूटने वगैरह की स्थिति आपके जीवन की तरफ बनती चली जाती है। और अगर इतनी एज है तो जातक को गुरु से संबंधित कुछ उपाय निश्चित तौर पर करनी चाहिए। केले के वृक्ष के नीचे दीप जला के वहां पर गुड़ और चने की दाल डाल के और किशमिश मुनक्का डाल के उनकी पूजा विधिवत रूप से करनी चाहिए। जो उनकी कथा वर्त है उसका पठन पाठन करना चाहिए, पीला रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके अलावा सुंदर आसन पर स्वच्छ रूप से बैठ के और पूरी कथा का मनन करना जातक के लिए हितकर होता है। इसके अलावा जो ही समय आपका ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है, यानी कि जैसे ही संसद की स्थिति आ जाती है, संसद के पश्चात आपको बिना लहसुन प्याज के कुछ भी शाकाहारी खाद्य पदार्थ खाना आपके लिए उचित होता है। गुड़ का सेवन भी जातक के लिए यहाँ पर काफी अच्छा होता है और घोड़े को और गाय को गुड़ खिलाना ऐसे लोगों के लिए काफी फायदेमंद होता है और जीवन की बहुत सारी परेशानियों से आप ऐसे ही छूट जाते हैं अनायास ही, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होता और जो आपके लिए बड़ी लाइलाज जैसी स्थिति को क्रिएट कर चुकी होती है। इसके अलावा इस क्षेत्र पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग चिन्ह बनते हैं, जैसे क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर काफी अच्छा है, वर्ग का चिन्ह यानी स्क्वायर का चिन्ह काफी अच्छा है, ट्राइडेंट ट्राइंगल, जो भी सिचुएशन बनेगी आपके लिए काफी अच्छा है। स्पिरिचुअल साइंस जितना बेहतर हो, स्पष्ट हो जातक के लिए उतना ज्यादा अच्छी स्थिति को दर्शाने का काम करता है। जैसे इस हथेली की तरफ आप अगर देख पाएंगे तो इसमें पाएंगे आप कि नीचे के क्षेत्र से आती हुई रेखाओं के माध्यम से यहां पर कुछ खास रेखाओं की स्थिति बनी है, जिसमें विष्णु तिलक की स्थिति है। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, जातक सरल स्वभाव का होगा, जातक सात्विक होगा, जातक अच्छे विचारों का होगा, जातक कभी भी किसी के खिलाफ कुछ गलत करने की चेष्टा भी नहीं करेगा, सोचेगा भी नहीं, कोशिश भी नहीं करेगा और लोगों के लिए बड़े अच्छे विचार रखेगा और जीवन में मेहनत के द्वारा अपनी चीजों को प्राप्त करेगा, अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा और सुखी जीवन जीने की तरफ बढ़ेगा। हालांकि इनके जीवन पर अलग अलग गोचर के समय, अलग अलग कालखंड में, अलग अलग नियति की स्थिति में जीवन में कुछ खास परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल लाइफ की स्थिति जातक के हक में रहेगी और जातक के लिए बेहतर स्थिति को प्राप्त करने में मदद करेगी। सैटर्न की स्थिति यहाँ पर काफी अच्छी है, बिकॉज सैटर्न के संधि क्षेत्र में होते होते ये सिंबल खत्म हो गई है, तो इस कारण क्या होगा कि आर्थिक स्थिति को भी जातक के लिए बेहतर बना के रखने का कार्य करती है, साथ ही कुछ दिव्य ज्ञान को भी प्राप्त, गुड ज्ञान को भी प्राप्त करने की स्थिति जातक को यहाँ पर प्राप्त होती है। इसके अलावा सूर्य के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो देखो सूर्य का क्षेत्र बहुत ज्यादा अंदर की तरफ दबा हुआ नहीं होना चाहिए, जितना ज्यादा दबा होगा ना चीजों को आपके लिए उतना मुश्किल करती है, कई दफा सफलता मिलने में ना उतनी ही देर लग जाती है। तो जब भी ऐसी स्थिति बनती है अगर, तो सूर्य से संबंधित कुछ खास उपाय को करना चाहिए। अगर सिंबल भी यहाँ पर अच्छे नहीं है तो ऐसी स्थिति में जातक को करना चाहिए, जिसमें गेहूं की बाली, जैसे कि प्रथम ही गेहूं कटाया जाता है, कटता है, उसके बाद जो सबसे पहले जो गेहूं निकलती है ना, उस गेहूं के लेके आप कम से कम 7 याचकों को दे देना चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसे ब्राह्मणों को जो कि उसके लिए भिक्षा के लिए भ्रमण करते होते हैं मधुकरी के लिए, तो उन्हें निश्चित तौर पर दिया जाना चाहिए, इस जातक के लिए काफी अच्छा होता है। इन कार्यों को कब तक किया जाना चाहिए, इन कार्यों को 16 वर्ष तक किया जाना चाहिए, निरंतर किया जाना चाहिए, उसका प्रभाव आपको शुरुआत से ही मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन इसका जो पूरा ड्यूरेशन है 16 वर्ष तक किया जाना चाहिए। इसके अलावा आपके बुध के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो इस पर विभिन्न अलग अलग प्रकार की रेखाओं की स्थिति का होना माफ कीजिएगा, बड़ी सर्दी हो रखी है, तो इसमें क्या है कि अलग अलग रेखाओं का होना जातक के लिए परिस्थितियों को बेहतर बनाने का कार्य करता है, लेकिन सीधी खड़ी और क्लियर लाइन जितनी हो उतना ज्यादा बेहतर है। 2 से या 3 से ज्यादा की रेखाओं की स्थिति होने पर परिस्थितियां आपके विपरीत होती चली जाती है। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में अगर आप आते हैं तो यहां पर कुछ अन्य सारी रेखाओं की स्थिति भी आप स्पष्ट तौर पर देखने का काम करते हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है जीवन रेखा की स्थिति किस प्रकार से नीचे की तरफ आई है और इसकी एक शाखा बाहर की तरफ भी चली गई है, विदेश प्रवास, विदेश में बहुत अच्छा धन लाभ, विदेश में ही जातक अपने करियर को आगे की तरफ बढ़ाएगा और जो भी जीवन में प्राप्त करेगा विदेश यात्रा से ही और वहीं से ही प्राप्त करेगा, उसकी स्थिति को स्पष्ट करता है।
इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो सिंबल की स्थिति है स्पष्ट बताती है कि वहां चल अचल संपत्ति जातक प्राप्त करने की स्थिति में रहेगा, और विभिन्न प्रकार के वहां पर जो है सो धन की घर गाड़ी वगैरह की भी प्राप्ति जातक के जीवन में होती रहेगी और जातक बेहतर गति से आगे बढ़ने की चेष्टा करेगा। जातक अगर विभिन्न प्रकार के पॉलिटिक्स के कार्यों में भी वहां अगर संलग्न होगा तो उसमें भी आफ्टर पीआर जातक को सफलता मिलने के योग बनते दिख जाते हैं स्पष्ट तौर पर। इसके अलावा आप अगर मस्तिष्क रेखा की स्थिति को देखेंगे तो यहाँ पर काफी कुछ है आपके जानने के लिए, सीखने के लिए, जो जो नए नए चीजों को सीखने में यकीन रखते हैं उन लोगों के लिए। एक तो पहले क्रॉस की स्थिति यहां पर काफी स्पष्ट है जो कि काफी अच्छा है, तो जितेंद्रिय अनुभव स्थिति देने की एक कोशिश करती है। इसके अलावा मध्य के क्षेत्र में आप देखेंगे कैंची जैसी आकृति है, कैंची के मध्य से मस्तिष्क रेखा की स्थिति निकली है, ये जीवन में यू टर्न को दर्शाती है। जब जातक को 19 से 20 वर्ष थी उस समय तक जातक के लिए दुनिया बिल्कुल अलग थी, चीजें रातों रात बदली और ऐसी बदली कि जातक की पूरी दुनिया ही बदल गई, सोच बदल गई, आगे का एम बदल गया, लक्ष्य बदल गया और उसके कार्य करने के जो पद्धति है वो बदल गई और तरीका बदल गया, और जो काफी सकारात्मक था, पॉजिटिवली था और जातक के हित में था जो कि काफी अच्छा है। रेखा की स्थिति की अगर बात करते हैं तो बहुत ही अदृश्य रूप से आगे की तरफ बढ़ रही है, अदृश्य रूप से बढ़ना यहाँ पर जाते के लिए अच्छा है, काफी बेटर है आपसे, जाते के लिए सहयोग की स्थिति बनती चली जाती है। मणिमंत की रेखाओं की स्थिति, प्रथम रेखा का टूटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता जो कि यहाँ पर टूट चुकी है, तो इससे संबंधित कुछ खास उपाय करना जाते के हित में होता है। इसके अलावा शुक्र की स्थिति की अगर देखें तो यह सामान्य गति से आगे की तरफ बढ़ रही है जिसमें कि जातक के जीवन की एक बेहतर गति को दर्शाने का कार्य कर रही है। बहुत ज्यादा आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा आप सोचेंगे कि बेहतर हो जाए तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, कुछ ना कुछ अड़चने आती रहेंगी। इसके अलावा बाहरी जो प्रकार है मंगल के इस क्षेत्र की स्पष्ट तौर पर बताती है कि जातक अपने जीवन में आर्थिक तौर पर समृद्ध अपने जीवन के काल में हो जाएगा, अपने देखे देखते मतलब होश में ही अपने ये आदमी करोड़पति से ज्यादा रकम इकट्ठा कर लेगा, ये निश्चित है। और ऐसा भी नहीं है कि लास्ट मोमेंट में, 55 से 60 एक ऐसा समय है जिस समय जातक को लगेगा कि नाउ आई एम कंप्लीट, सब कुछ प्राप्त कर लिया मैंने जो भी चाहा, और उन चीजों को निश्चित तौर पे जातक यहाँ पे प्राप्त करेगा। डिट्टो, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।